साउंड में हम लोगों ने अभी तक पढ़े थे कि साउंड क्या है, राइट। फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े थे, राइट। फिर क्या पढ़े थे? प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे होता है, राइट, वाया वाइब्रेटिंग, राइट। और वाइब्रेशन मतलब क्या होता है? रैपिड टू एंड फ्रॉम मोशन, है ना। साउंड को हम ऑल्सो प्रोड्यूस कर सकते हैं प्लकिंग, स्क्रैचिंग, रबिंग, ब्लोइंग एंड शेपिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट, है ना। साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस कैसे प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू द वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड कहाँ पे होता है, ठीक। और फिर क्या देखा जाए कि प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। तो साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए क्या चाहिए होता है? मीडियम चाहिए होता है, बताया था ना ये चीज, मीडियम चाहिए होता है। लेकिन सबसे मेन चीज क्या है कि पार्टिकल डो नॉट ट्रेवल, है ना। अगर पार्टिकल नहीं ट्रेवल करते तो क्या होता है? पार्टिकल क्या करता है, जो डिस्टर्बेंस, जो वाइब्रेशन का के कारण जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है, ठीक, उस डिस्टर्बेंस को क्या कर देते हैं? वो कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, क्लियर है। खुद मूव नहीं करते हैं, फॉरवर्ड। ओके, यहां तक क्लियर है? यस ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वेव, ठीक। तो जो साउंड वेव है, ठीक, उसको हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं? उसमें क्या मोशन ऑफ पार्टिकल किसमें होते हैं? मीडियम में होते हैं, ठीक। और जिससे क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव। अब बात यह है कि कोई भी साउंड वेव है, ठीक, तो उसे ट्रांसफर करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए होता है, ठीक। तो सबसे कॉमन मीडियम कौन सा है? एयर। क्या है? एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम है, ठीक, जिससे कि क्या है, साउंड ट्रेवल करेगा, ठीक। अच्छा, अगर साउंड ट्रेवल करेगा तो उसमें दो चीज होती हैं, ठीक। जब ट्रेवल कर रहा है तो वहां पे वाइब्रेशन होगा। अगर मान लो कुछ वाइब्रेशन हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ये जो हो रहा है वाइब्रेशन, हिल रहा है, ठीक, तो उसमें क्या कुछ पार्टिकल पास आ जाते हैं, कुछ पार्टिकल दूर जाते हैं, ठीक। तो अगर पार्टिकल पास पास आ जाते हैं तो उससे क्या कहते हैं? कंप्रेक्शन, कंप्रेशन। और अगर दूर दूर जा रहे हैं तो उससे क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। तो कंप्रेशन क्या होता है, ठीक, जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव हो फॉरवर्ड एक्शन में, ठीक, तो क्या करेगा? वो पुश करेगा, ठीक, और कंप्रेस कर देगा एयर को, आगे वाली एयर को। कंप्रेशन में क्या करेगा? फॉरवर्ड करेगा और कंप्रेस कर देगा एयर को उस जगह पे, ठीक है। तो जब वो कंप्रेस करेगा, अब बता दो किसी चीज को दबा कर कंप्रेस करोगे तो वहां पे प्रेशर क्या होगा? हल्का होगा, ज्यादा हो जाएगा? वहां पे एक रीजन क्रिएट ज्यादा होगा, हाई प्रेशर का रीजन क्रिएट होगा, क्लियर है। तो कंप्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल सी से, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस ठीक है, तो जब कंप्रेशन स्टार्ट होता है, ठीक, तो क्या मूव करते हैं? अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक। जैसे यहाँ देखा जाए, दिख रहे हैं सी से, दिख रहा है सी से रिप्रेजेंट किया गया कंप्रेशन को, यहाँ पे सी से रिप्रेजेंट किया गया कंप्रेशन को। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, ये जो पार्टिकल है, देखो पास पास आ गया कि नहीं आ गया, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो वो, ये क्या है? यस कंप्रेशन। ये क्या है? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो पार्टिकल दूर दूर है कि नहीं, देखो है कि नहीं। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है मूव होते हैं बैकवर्ड, ठीक। जैसे यहाँ पे क्या देखा, ध्यान समझो, देखा जाए ये क्या है? एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक। और जब इसको वाइब्रेट किया गया है तो एक आगे गया फॉरवर्ड, एक गया है बैकवर्ड, ठीक। तो जब आगे गया है, ठीक, तो उससे क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। और कंप्रेशन में क्या हो रहा है? हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो हाई, यहाँ देख रहे हैं कंप्रेस, क्या हाई प्रेशर हो गया। यहाँ प्रेशर क्या है? ये हाई प्रेशर है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है? ये रिफ्रैक्शन, जिसे क्या कहते हैं? लो प्रेशर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस तो ये क्या हो गया? कंप्रेशन में क्या हो गया? हाई प्रेशर हो गया। रिफ्रैक्शन में क्या हो गया? लो प्रेशर हो गया, ठीक। तो अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो यहाँ क्या हो रहा है एक्चुअल में, कि जब साउंड प्रोड्यूस हो, जब साउंड ट्रांसमिट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो पहले कंप्रेशन हो रहा है, फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर कंप्रेशन हो रहा है, फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि जो ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है? ट्यूनिंग फॉर्क है। ये क्या क्रिएट करता है? ए सीरीज ऑफ द कंप्रेशन एंड द रिफ्रैक्शन, क्लियर है। मीडियम में पहले कंप्रेशन, फिर रिफ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन रिफ्रैक्शन,
ऐसे ही चलता रहेगा मीडियम में। क्लियर है कि क्लियर है? तो इसे क्या कहते हैं? सीरीज ऑफ सी एंड आर कंप्रेशन रिफ्रैक्शन। क्लियर है? ठीक। अच्छा अब समझो बात को, ठीक, कि जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है बैक एंड, यहाँ पे क्या है, बैक एंड फोर्थ मूव हो रहा है रैपिडली, ठीक, तो यहाँ जो सीरीज ऑफ कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन ये क्रिएट कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे एयर में हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो। ठीक, तो ये क्या करते हैं, दीज में एक साउंड वेव और ये प्रोपेगेट करते हैं थ्रू द मीडियम के द्वारा। क्लियर है? कैसे? कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन। ठीक, तो कंप्रेशन को पूछे क्या है, कंप्रेशन क्या है? कंप्रेशन क्या है, एक रीजन ऑफ हाई प्रेशर है। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सी से। रिफ्रैक्शन क्या है? रीजन ऑफ लो प्रेशर है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आर से। क्लियर है? अब ये तो समझ में आ गया, हाँ कंप्रेशन और रिफ्रेक्शन क्या है, रीजन ऑफ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर है। तो प्रेशर क्या है, बात ये है समझा जाए तो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रेशर पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे किसी और टर्म समझते हैं। तो प्रेशर क्या बेसिकली क्या होता है, ये रिलेट करता है कि नंबर ऑफ जो पार्टिकल है किसी मीडियम के, क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक, किसी मीडियम के एक पर्टिकुलर गिवन वॉल्यूम में कितने हैं। ठीक, जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ जो कंप्रेशन में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, पास पास है कि नहीं, बोलो। इसमें है, इसमें क्या है, क्लोज क्लोज है, और रिफ्लेक्शन में क्या है, अवे है पार्टिकल, है कि नहीं, देखो सारे पार्टिकल दूर दूर हैं, कुछ कुछ है कि नहीं। तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास होंगे जो, किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि डेंसिटी ऑफ जो पार्टिकल, जो मीडियम है ना उसमें पार्टिकल की डेंसिटी क्या है। क्लियर है? क्लियर है? तो अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। क्लियर है? क्लियर है? और डेंसिटी कम होगी तो वहां पे क्या होगा, प्रेशर प्रेशर भी कम होगा। कम क्लियर है? ठीक यस है, सर। ये जो मीडियम और प्रेशर के बीच में साइन है, इसका क्या मतलब है? ये जो साइन है, ये साइन एक्चुअली में ऐसा नहीं, ये ऐसे होना चाहिए, प्रोपोर्शनल साइन है, ये एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए। हाँ क्लियर है? मतलब इसे ऐसे कह सकते हैं, डेंसिटी किसका, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर की। इसका प्रेशर मतलब क्या हो कि अगर ये ज्यादा होगा डेंसिटी, ठीक, तो पार्टिकल भी ज्यादा होगा, और डेंसिटी कम होगी तो पार्टिकल भी प्रेशर भी कम होगा। क्लियर है? ज्यादा ये साइन है प्रोपोर्शन का, और ठीक इसका उल्टा साइन होता है, मतलब इनवर्स। साइन ये रहेगा लेकिन उसको वन अपॉन करके लिखेंगे। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो अब यहाँ देखा जाए, अगर समझा जाए तो जो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड है यहाँ पे उसको हम विजुलाइज कैसे कर सकते हैं, दो चीजों से कर सकते हैं। एक तो प्रोपेगेशन ऑफ डेंसिटी वेरिएशन, कितना डेंसिटी वेरिएशन कैसा है। क्लियर है? या फिर उसको हम क्या समझ सकते हैं कि प्रेशर वेरिएशन कितना है। क्लियर है? अगर समझना हो कि प्रोपेगेशन ऑफ साउंड कैसे हो रहा है, कैसे समझेंगे, तो चीजों से, एक से डेंसिटी समझेंगे, हाँ एक समझेंगे डेंसिटी से कि डेंसिटी वेरिएशन कैसा है, और दूसरा क्या है, प्रेशर वेरिएशन। क्लियर है? आप बताओ कि अगर प्रेशर वेरिएंट की बात करते हैं, अगर प्रेशर हाई है, पी क्या है, हाई है, तो यहाँ पे क्या होगा बता दो, कंप्रेशन होगा नहीं होगा? कंप्रेशन होगा। और अगर प्रेशर क्या है, लो है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन। क्लियर देखने, क्लियर है? ठीक वैसे ही अगर डेंसिटी ज्यादा है, ठीक, हाई है, तो क्या होगा, यहाँ पे कंप्रेशन होगा। क्लियर है? और डेंसिटी क्या है, लो है, तो यहाँ क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। क्लियर है? अच्छा अब समझते हैं कि क्या साउंड को नीड होती है मीडियम को ट्रैवल करने के लिए। तो साउंड क्या बेसिकली क्या है, मैकेनिकल वेव है। क्या है? मैकेनिकल वेव, ठीक। और उससे क्या चाहिए होता है, मटेरियल चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, मटेरियल मीडियम चाहिए होता है, कैसे,
कोई मटेरियल मीडियम हो, जैसे कि एयर, वाटर, स्टील, क्लियर है? या फिर और भी कोई मीडियम चाहिए, क्लियर है? किस लिए? प्रोपोगेशन के लिए, ठीक। तो मतलब क्या हुआ कि जो साउंड है इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, क्लियर है? क्लियर है? यस ठीक। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट बताया गया है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए। यहाँ पे क्या किया गया है कि एक इलेक्ट्रिक बिल लिया गया है। क्या लिया गया है? एक इलेक्ट्रिक बिल लेके, दिख रहा है एक, ये देखो एक इलेक्ट्रिक बिल लिया गया है, ठीक। और क्या लिया गया है? एक एयर, एक लिया गया है इलेक्ट्रिक बिल लिया गया है, और दूसरे के लिए एयर टाइट ग्लास बिल जार लिया गया है। दिख रहा है ये वाला एक जार लिया गया है जिसको बोलते हैं एयर, पूरा एयर टाइट है, क्लियर है? एयर टाइट क्यों है? ताकि इसमें से एयर पास ना हो सके, क्लियर? अब इसमें क्या किया गया है? हाँ, इसमें क्या किया गया है, एक इलेक्ट्रिक बिल को सस्पेंड कर दिया गया है इसके अंदर, दिख रहा है? इलेक्ट्रिक बिल को ये सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक। और जो बिल जा कनेक्ट कर दिया है वैक्यूम पंप से कर दिया गया है। कैसे कर दिया गया है? दिख रहा है? ये देखो यहाँ से दिख रहा है, एक वैक्यूम पंप से कर दिया गया है, ठीक। अब क्या करेंगे, जो स्विच है, दिख रहा है ये स्विच, ये वाला स्विच, ठीक। अगर मान लो इस स्विच को हम प्रेस करते हैं, ठीक, तो हम क्या सुन सकते हैं बिल को, ठीक है? समझना होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या एक इलेक्ट्रिक बिल है, ये बज रही है, ठीक, और ऊपर से पूरा एयर टाइट कर दिया है। अगर वह ये बज रही है और इसकी जो, और इसका जो साउंड है, साउंड को ट्रांसफर होने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए होते हैं, और एक एयर क्या एक मीडियम होता है। अगर हमने इसको एयर टाइट बंद कर दिया है, तो क्या इसमें जो यहाँ से हमें, अगर यहाँ कान लगा लीजिएगा, क्या मान लो कान लगा ली, क्या ईयर मान लो, ठीक, तो क्या हमें इस जगह सुनाई दे क्या, अगर इसको एयर टाइट कर देंगे? क्या नहीं। नहीं। लेकिन अगर हमने स्विच खोल दिया इस वाले स्विच को, ठीक, तो क्या होगा? एयर पास होगी, होगी हाँ और हमें सुनाई देगी, देगी नहीं देगी, देखी ठीक। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, ठीक, कि साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, क्लियर है? यस अब जैसे क्या है, जैसे जैसे एयर कम होगी, ठीक, स्टार्टिंग में जैसे एयर ज्यादा होगी तो साउंड मुझे ज्यादा सुनाई देगी, और जैसे एयर कम होगी तो क्या होगा, साउंड धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्लियर है? यस तो अब बता दो कि अगर कोई कहा है, ठीक, कि एक्सप्लेन करना है कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस बाई योर स्कूल बेल, स्कूल में जो घंटी होती नहीं होती टन 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 वाली, उसमें साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, बताओ? ऑब्जेक्ट्स टकरा हाँ, तो उसमें क्या होता है, कैसे होता है बेल? अगर देखा जाए तो दो तरह के बेल होते हैं, या फिर ऐसे समझ लो घंटी, मंदिर में घंटी होती, घंटी कैसे होती है वो बेल? के बीच में एक ऐसे होता है ना, है ना? ये ऐसे होता है ना? और बीच में जो ये दिख रहा है, ये जो ये दिख रहा है, ये वाला, ये जो बीच में मैंने हाईलाइट किया दिख रहा है, इसको हम लोग, इसको जब इस डायरेक्शन में करते हैं तो ये क्या करता है, इधर क्या गया तो कुछ टाइम में इधर आएगा, ऐसे आएगा नहीं आएगा, तो क्या होता है कि जब ये इसको टकराएगा, ठीक, तो उसको टकराने से जो ऑब्जेक्ट है ये दिख रहा है, ये वाला, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ये दोनों क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं, और वो वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक। तो अब समझा कि नहीं समझा कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हुआ है? और जब उसको, अब ये जो हम बजाते कहाँ बजाते हैं, एयर में बजाते हैं कि बजाते हैं, इसके साउंड में क्या होता है, एयर होता है, मतलब क्या हुआ, इसे एक मीडियम मिल गया है, ठीक, तो हम सुन लेते हैं, क्लियर है? क्लियर है? मतलब क्या यस हुआ कि ये जो यहाँ जो वाइब्रेशन हो रहा है, ये इसका सोर्स हो गया कि नहीं हो गया, बोलो? होगा इसको सोर्स को क्या बोल सकते हैं हम, साउंड जनरेशन बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, है कि नहीं? हाँ सोर्स हो गया, और डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा उसका, जो साउंड को कहाँ तक पहुंचेगा वो?
कानों तक, क्लियर है? जितने भी कान हो उन सभी सभी सुनेंगे, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? यस हाँ, चाहे वो पास हो चाहे दूर हो, जहां तक उसकी साउंड पहुंचेगा वो सब सुनेंगे। कोई पर्सन यहाँ पे है यहाँ सुनेगा, कोई भी यहाँ पे है दूसरा यहाँ सुनेगा, तीसरा यहाँ सुनेगा, चौथा वहां सुनेगा, जहां तक पहुंचे, क्लियर है? अब समझते हैं कि जो साउंड वेव है वो क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है? तो होता क्या है, जो साउंड जो प्रोपेगेट होता है मीडियम में, तो उसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन होता है कि नहीं होता, बोलो, पता है कि नहीं पता है? होता ठीक। है। हाँ और जो साउंड वेव उससे क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता क्या है एक्चुअल में, ठीक? तो इसमें क्या होता है कि पार्टिकल के जो मीडियम होते हैं, ठीक, जो मीडियम उसमें पार्टिकल होंगे ना, ठीक, तो वो मूव करते हैं किस डायरेक्शन में, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस, ठीक? मतलब कि जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही साउंड, ठीक, उसके पैरेलल में इसके पार्टिकल मूव करते हैं। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? यहाँ पैरेलल का मतलब क्या हो गया? पैरेलल का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि यहां से कोई साउंड प्रोड्यूस हुआ इस जगह से, दिख रहा है साउंड, ये क्या घंटी मान लो एक तरीके से, ये क्या है, उसको लिए घंटी मान लो ऐसे, ठीक, ये स्कूल घंटी है। अब साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हुआ है, तो मान लो यहाँ पे क्या है, कान है, ईयर है कि नहीं? अब साउंड इस जगह जाएगी नहीं जाएगी, बोलो, जाएगी नहीं जाएगी? राइट जाएगी, लेफ्ट साइड जा रही है। तो यहाँ जो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कैसे हो रही है, लेफ्ट राइट हो रही है कि नहीं, बोलो, हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। रही है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ये पार्टिकल के जो मूव करते हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, मतलब कि जो एनर्जी ऐसे ट्रांसफर हो रही है तो उसके पार्टिकल भी ऐसे वैसे मूव होंगे। क्लियर है? यस तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन होता है, ठीक। तो अगर देखा जाए, दिख रही है ये क्या है, कंप्रेशन है, रे रिफ्रैक्शन है, फिर कंप्रेशन है, और फिर रिफ्रैक्शन, दिख रहा नहीं दिख रहा है? ये कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल हाँ, ठीक। अब बताना कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक, उसमें क्या जो पार्टिकल मूव करते हैं, वन प्लेस टू अनदर मूव करते हैं क्या, बोलो? जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसमें क्या पार्टिकल मूव करते हैं, वन प्लेस टू दूसरे प्लेस पे, क्या पार्टिकल मूव करते हैं क्या? नहीं तो पार्टिकल डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्लियर कि नहीं? क्लियर है? यस अगर वो मूव नहीं करते तो मतलब क्या करते हैं, वो ऑसिलेट करते हैं ऐसे, क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, बैक एंड फोर्थ, क्लियर है? यस ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, ठीक। क्लियर तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्लियर हो कि नहीं? क्लियर हो गया कि जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसी के पैरेलल में ही जो मीडियम पार्टिकल है वो मूव करेंगे, ठीक है? सर। अच्छा, तो दो तरह की वेव होती हैं, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरी क्या होती है, ट्रांसवर्सल वेव, ठीक। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे होती हैं, ये ऑसिलेट करती हैं बैक एंड फोर्थ, क्लियर है? फोर्थ बैक एंड फोर्थ, ठीक, अबाउट द पोजिशन ऑफ रेस्ट में, ठीक। अच्छा, यहाँ पे ऑसिलेशन अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ पैरेलल, ऑसिलेट हो रहा है, कैसे हो रहा है, पैरेलल हो रहा है, क्लियर है? अच्छा, यस अब बताना कि लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं, तो क्या वो ट्रेवल कर सकते हैं, वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं क्या, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, क्लियर है? यस मतलब क्या होता है, इन पार्टिकल को मूव करने के लिए क्या चाहिए, नीड पार्टिकल टू ट्रांसफर द एनर्जी, है कि नहीं? मतलब इन्हें पार्टिकल चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो, मीडियम में चाहिए। इसका एग्जांपल क्या है लॉन्गिट्यूडनल वेव का,
साउंड वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? ये कॉज करते हैं मीडियम को कि वो मूव कर सके। मीडियम कैसे मूव करेंगे? पैरेलल टू द पैरेलल, डायरेक्शन ऑफ द वेव। क्लियर है? यस सर। ये क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडनल वेव। अभी क्या समझते हैं? ट्रांसवर्सल वेव। ट्रांसवर्सल पूरा कर लेते हैं। ओके, डिफरेंस देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्सल डिफरेंस देख लेते हैं। तो ट्रांसवर्सल वेव क्या होते हैं? ये ऑसिलेट नहीं करते हैं अलोंग द लाइन ऑफ, मतलब कि अगर मान लो इसमें ऐसे मूव हो रहा है, ठीक, एनर्जी मूव हो रही है, तो ये मूव सीधे मूव ना होंगे, ये ऐसे ऐसे मूव होंगे। दिख रहे हैं? ऊपर नीचे ऐसे दिख रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पे क्या है, पार्टिकल जो मीडियम है वो मूव करते हैं अबाउट देयर मेन पोजिशन पे इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। क्लियर है? और ये ट्रैवल कर सकते, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? वैक्यूम में। अगर बता दो अब, खैर कोई चीज वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है तो क्या उसको मूव करने के लिए क्या कोई पार्टिकल चाहिए क्या? नो no. तो डज नॉट नीड पार्टिकल टू ट्रांसफर द एनर्जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा अब बताना, इसका एग्जांपल क्या हो गया? एक तो हो गया लाइट वेव, दूसरा क्या हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है? तो ट्रांसफर से क्या करते हैं? कॉज करते हैं मीडियम को टू मूव कर सके। कैसे? परपेंडिकुलर मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव। ओके ठीक है। यहाँ पर जो डायग्राम है थोड़ा उल्टा हो गया है। ये जो दिख रहा है, ये वाला डायग्राम, ये किसका है? ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का है। और ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है, ये उल्टा हो गया, ये किसका है? ये ट्रांसवर्सल का है। क्लियर है? अब बता दो, ध्यान से देखना। पहले बात करते हैं इस फिगर की, जो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, दिख रहा है? ये वाला लॉन्गिट्यूड वेव बात कर रहे हैं। यहाँ बताना कि डायरेक्शन ऑफ एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है। लेफ्ट राइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो, हो रहा है। और जो पार्टिकल है, जो पार्टिकल ध्यान से देखा जाए तो ये कैसे कैसे हो रहे हैं। ये जो पार्टिकल है दिख रहे हैं, ये देखो ऐसे ऐसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये देखो ऐसे ऐसे। तो कोई यहाँ पे क्या है, ये देखो इतने इतने दूर पास पास हो गए, दिख रहे हैं? और इतने में क्या होगा, दूर दूर हो रहे हैं। ठीक, तो पार्टिकल कैसे मूव हो रहे हैं? ऐसे ऐसे मूव हो रहे हैं नहीं हो रहे? बोलो, ऐसे 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 ऐसे। तो ये लेफ्ट राइट मूव हो रहा है कि नहीं? बोलो, इसी डायरेक्शन मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल कैसे हो रहा है? ऐसे ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो। तो यहाँ पे देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं? बोलो। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऐसे हो रहा है लेफ्ट राइट, और वेव भी ऐसे मूव हो रही है, साउंड वेव। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में पैरेलल में है कि नहीं? बोलो। यस है। ट्रांसवर्स में क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर हो रही है लेफ्ट टू राइट। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ ब्लू कलर से। ये ठीक। और मीडियम पार्टिकल कैसे मूव हो रहे हैं? ऊपर और नीचे मूव हो रहे हैं, दिख रहे हैं? जैसे मान लो ये देखो, ये पार्टिकल कहाँ मूव हो रहा है? देखो नीचे की ओर आ रहा है, देख, नीचे से फिर ऊपर जा रहा है, दिख रहा है? दिख रहा है, देखो ये ऐसे से कर रहा है, पहले ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, दिख रहा है? दिख रहा है। बोलो। तो यहाँ बता दो, यहाँ जो मूवमेंट कैसे हो रहा है? वो ऊपर नीचे हो रहा है, हो रही नहीं हो रहा है? कभी ऊपर जा रहा है और कभी नीचे आ रहा है, दिख रहा है? नहीं आ रहा। बोलो, यस मतलब ये ऐसे ऐसे मूव हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो, ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ बता दो 90 डिग्री है कि नहीं? बोलो बोलो। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस तो आप लोग इतना पढ़ के आएंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल वेव। ओके, तो फिर आज क्लास यही वाइंड अप करते हैं।